ट्रिग्नोमेट्री का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, बस एक ही रिक्वायरमेंट यहाँ पर है, पढ़ने वालों से एक रिक्वायरमेंट है कि रेशियोस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी फार्मूले हैं आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। विदाउट फार्मूले अगर आपको लर्न नहीं होगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। तो एक रिक्वायरमेंट आपके साइड से होगी, तो आपको क्या करना है, फार्मूले अच्छे से लर्न करना है, ठीक। अब यहाँ पर ये वैल्यू देखी जाए तो रेडियन है, इसको सेक्सागेसिमल मेजर मतलब डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने देखा था कि पाई रेडियन 180 डिग्री, ये कन्वर्जन हमने देखा था। तो जहाँ पर भी पाई होगा वहाँ हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री रख देंगे। 5, अब 5 से काटे कितना आएगा, 36 आ जाएगा डिग्री। अब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आ गया। कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं, नो ऑफ दी। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन इसलिए लिया गया कि आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, आप रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर पाएं। कर पाएंगे, कर लेंगे। तो आगे हम इस बात को अब डिस्कस नहीं करें, मान के चल रहे हैं कि अब ये कन्वर्जन ईजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, सेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। इससे हमारा इंटेंशन है कि आपको बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से ले चलें और ऊपर तक। एक बार इसको भी हम रिमाइंड कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा दिया गया, सेक थीटा निकालना है, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है, आप पहले क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये थीटा ले लिया, ये ए बी सी। वो आपको पता ही है कि साइन थीटा जो 4y5 दिया गया है, अब याद कर लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। ऐसे ही आपको सारे रेशियोज पता होने चाहिए। तो 90 के अपोजिट ये हाइपोटेनिस है, जिस पे एंगल फॉर्म कर रहा है वो बेस है, और बचा हुआ क्या है, परपेंडिकुलर। बात समझने वाली है। इन्हें राइट एंगल ट्राइंगल, 90 के अपोजिट हाइपोटेनिस, जिस पे एंगल बन रहा है वो बेस है, और जो बचा हुआ वो, तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर 4 हो गया, हाइपो हो गया हमारा 5, ये थीटा मान रहे हैं। तो 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस, अब ये ए बी सी मान रहे अगर, तो ए सी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो ए सी बराबर 3 आ गया। क्या आ गया, अब आपको पता है सेक थीटा अगर निकाल रहा हूँ तो हाइपोटेनिस अपॉन बेस। अब कोई भी रेशियो निकालना हो, टेन थीटा निकालना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा निकालना होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोई भी रेशियो निकालना होगा, तो आप ध्यान रखिए कि कोई और कोई फार्मूले पे कंसर्न नहीं रहना है। आपको क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना है, और इस तरीके से आपको अप्रोच ले जानी, बेसिक है, इतना आना चाहिए आपको, ठीक। एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने और उठाया है, हमने बोल रहा है कि बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे चलना है, बिल्कुल पेशेंसली, जो लोग ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए। यहाँ पे कॉस थीटा -3/5 दिया गया, थीटा इज ऑप्टिउस, बोला गया कि ऑप्टिउस है, तो आपको टेन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। एक्यूट ऑप्टिउस क्या होता है, 0 और 90 के बीच में एंगल को बोलते हैं एक्यूट। 90 डिग्री जब होगा तो बोलेंगे ऑप्टिउस, 90 से ग्रेटर, 180 से लेस, तो ऑप्टिउस। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री देखें, यहाँ पर अगर कोई एंगल बन रहा है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, और ये भी प्लस होगा, तो सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। किसी का भी रेशियो करोगे क्या आ जाएगा, मतलब ऑल क्या हो गए, ऑल पॉजिटिव हो गए। यहाँ पे आप कोई ट्रायंगल बनाएंगे, ये जान ही रहे निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो जहाँ जहाँ बेस आएगा, साइन में परपेंडिकुलर और हाइपो आएगा, तो साइन हो गया पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कॉसिक भी क्या हो गया,
पॉजिटिव हो गया, बाकी सब में बेस आ रहा है, और टेन और कॉस क्या हो गया, निगेटिव हो गए। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे ट्राइंगल बनेगा तो आप जान ही रहे ये भी निगेटिव और ये भी क्या है, तो साइन कैसा हो गया, निगेटिव, कॉस निगेटिव, टेन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, तो मतलब ए एस टी सी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सिंपल सी बात है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ए एस टी सी फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से लेकर 90 तक केवल सारे पॉजिटिव होंगे, 90 से 180 तक साइन ही पॉजिटिव होगा, और 180 से 270 तक टैन पॉजिटिव होगा, और इससे यहाँ तक कॉस पॉजिटिव। ठीक है, इस बात को बहुत ही बेसिक है, बट हम लोगों ने रिमाइंड किया कैसे निकालते हैं ये भी दिखाया, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, तो कॉस थीटा कैसा है, निगेटिव। ऑब्ट्यूस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस थीटा ऑब्वियसली क्या होगा, निगेटिव। अब टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा की वैल्यू जो भी आएगी उसको निगेटिव करेंगे, और कॉस थीटा को कैसा करेंगे, जो भी आएगी पॉजिटिव। अभी हम लोग क्या करेंगे, जब भी कॉस थीटा बराबर 3/5 मानेंगे, अभी उसके साइन से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे थीटा ले लिया, ए बी सी क्रिएट किया, आधार बेस को 3 माना, हाइपो को 5 माना, 25 में से 9 गया, 16 का रूट 4 हो गया। अब आपको टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3, बट सेकेंड क्वाड्रेंट में किसमें है, तो कैसा होगा, तो खुद आप अपने आप से उसका साइन डिसाइड करेंगे। कॉसेक थीटा की बात करेंगे जैसे कि, तो हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपो है 5, परपेंडिकुलर 4, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक कैसा होता है, पॉजिटिव, नो नीड टू पुट निगेटिव साइन। अगर आप सेक थीटा निकाल रहे होते तो सेक थीटा कैसा होता है, निगेटिव, तो निगेटिव लेते। ठीक है, हाइपो अपॉन 20 तो 5/3 हो जाता। इस तरीके से अगर किसी भी रेशियो की वैल्यू दी गई है और क्वाड्रेंट फिक्स किया गया है, तो जब भी आप किसी और रेशियो की वैल्यू निकालेंगे तो आप ध्यान रखेंगे उसका साइन उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से ही लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं एंगल, जो बेसिक, बहुत ही बेसिक है कि एंगल आर्क अपॉन रेडियस या एंगल कितना होगा। ठीक है, तो उसी पर हम लोगों ने बिल्कुल जो बिगनिंग है, बोला गया कि अ व्हील मेक्स 240 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट, 1 मिनट में 240 रेवोल्यूशन बनाता है। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल इट डिस्क्राइब्स एट द सेंटर इन 15 सेकेंड्स। क्वेश्चन को ध्यान समझे कि मतलब इन अ सिंगल मिनट में एक व्हील जो है वो 240 टाइम्स क्या है, रोटेट कर जाता है। ठीक है, रोटेट करता है, तो यहाँ पे देखिए यूनिटरी मेथड लगाते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होंगे, तो 60 सेकेंड्स में उसने बोला कि 1 मिनट में 240 रेवोल्यूशंस, तो दैट मींस 60 सेकेंड्स में कितने हैं 240 रेवोल्यूशंस, तो 1 सेकेंड्स में 240/60 हो जाएगा 4 रेवोल्यूशंस, यानी पर सेकेंड कितने वो चक्कर काटता है, 4 चक्कर कंप्लीट कर लेता है, रेवोल्यूशन कर लेता है, तो 15 सेकेंड में कितने 60 रेवोल्यूशंस। मतलब कोई व्हील यहाँ से मूव करना शुरू हुआ ऐसे आ गया पूरा ऐसे, तो एक ही रेवोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, इन 1 रेवोल्यूशन एंगल जो होगा वो क्या होगा, 2π रेडियन, एक रेवोल्यूशन कितना, पूरा सर्कुलर घूमने के लिए बताया गया 2π, तो 60 रेवोल्यूशंस हैं, एक रेवोल्यूशन में 2π, तो 16 × 2π दैट इज 120π रेडियन। तो बेसिक से क्वेश्चंस हैं ये, बेसिक से क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देने होंगे, ये बेसिक से क्वेश्चन है। थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक है ये चीज़। इस बेसिक क्वेश्चंस का कराने का मतलब है कि बिल्कुल बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्री है वो समझ में आए। ठीक है, मतलब थीटा बराबर एल अपॉन आर्क, आर्क अपॉन रेडियस,
जब भी आप निडल को मूव कराते हैं तो जब ये मूव की तो ये जो डिस्टेंस कवर हुई ये आर्क है, ये क्या है, ये इसकी क्या है और ये क्या है इसका एंगल, ठीक है। बेसिक से टर्म एल से आर को डिनोट कर रहे हैं, रेडियस को स्मॉल आर से और थीटा इज द एंगल, मगर ये जो भी मेजरमेंट होगा रेडियन में होगा, किस में होगा। अब एक बात समझते पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस कवर बाय द टिप ऑफ ए मिनट हैंड, मतलब हमने यहाँ पे देखो सेकेंड हैंड दिखाया है आर और मिनट हैंड, तो ये मिनट हैंड मतलब ये टिप, उसने चलने के बाद जो उसने डिस्टेंस कवर की, क्या की, मिनट हैंड ने डिस्टेंस कवर की, टिप का मतलब उसका टर्मिनल, ये वो आगे बढ़ी और यहाँ तक आ गई। तो मिनट हैंड ने कितना डिस्टेंस कवर की, 35 मिनट्स में 33 सेकेंड्स सेंटीमीटर, 35 मिनट में कितना वो मूव कर गई, हाँ कितना आर्क उसने मना कवर कर लिया, तो उसका आर्क कितना हो गया 33 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मिनट हैंड, मतलब लेंथ ऑफ मिनट हैंड का मतलब, लेंथ ऑफ मिनट हैंड का मतलब रेडियस, क्या निकालनी है, रेडियस में निकालना है जो मूव किया है वो उसका आर्क है, ठीक है। एंगल ये 35 मिनट्स, इससे हमें एंगल निकालना होगा, ठीक है। यहाँ बात ध्यान दें, मिनट हैंड पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि पूरा रोटेशन आर एंड अपना पूरा रोटेशन 12 आर में पूरा रोटेशन करती है, 12 घंटे में पूरा रोटेट करती है, 360 डिग्री घूम जाती है, मैं आर एंड की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट में सेकेंड वाली पूरा राउंड कर लेती है, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनट हैंड की, तो 60 मिनट में वो कितना घूम जाती है, 360 डिग्री, एक घंटे में वो जो शुरुआत जहाँ से चलेगी वो दोबारा आ जाएगी, नहीं ये बात समझ आएगी, नहीं 60 मिनट में मिनट हैंड 360 डिग्री रोटेट करती है, मिनट वाली सुई, एक मिनट में 360/60 दैट इज 6 डिग्री, मतलब ये कन्वर्जन आ गया कि मिनट हैंड एक मिनट में 6 डिग्री रोटेट कर जाती है। तो 35 मिनट्स में 35 × 6 210 डिग्री, ओके इतना एंगल घूम जाएगी 35 मिनट में, बट हमें रेडियन में चाहिए, क्या चाहिए एंगल, तो थीटा रहा 210 डिग्री है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन पाई बाई 180 कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 7π/6 रेडियन किसमें आ गया। अब आपको क्या करना है, थीटा अपॉन बराबर एल अपॉन आर, आर निकालना है, एल कितना दिया गया 33 अपॉन थीटा कितना निकाला 7π/6 उधर ऊपर चला जाएगा 33 × 6/7π 22/7 कर देंगे यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, ये 3 आया ये 2 आया ये 3 आया कितना आ गया 3 × 3 9 सेंटीमीटर आ गया। बेसिक से क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए, धीमे धीमे हम लोग आगे इससे बढ़ेंगे, अभी हम लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ रहे कि बार बार रिमाइंड करा रहे हैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री आपका पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा है और ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कैलकुलस मेजर यूज़ है, तो ट्रिग्नोमेट्री एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, बट आप तभी कर सकते हैं जब तक आपको फार्मूले अच्छे से लर्न नहीं होंगे, तो आपको समय दिया जा रहा है आप फार्मूले लर्न कर लीजिए, बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है अगर आप सीखना चाहते हैं तो होप सो जो भी पढ़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ लोग बहुत ही इत्मीनान से पढ़ रहे हैं, वो कुछ हैं ज़्यादा नहीं है, तो वो लोग फार्मूले याद कर लें, ठीक है।